नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी राइफल्स के बारे में। और ये राइफल्स अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो के दौरान शोकेस किए गए थे बैंगलोर बेस्ड कंपनी SSS डिफेंस के द्वारा। तो ये एक फैमिली ऑफ वेपन सिस्टम के नाम से ये राइफल्स डिस्प्ले किए गए थे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से SSS डिफेंस इस तरह के राइफल प्रोड्यूस करने में सक्षम हो पाई है। तो SSS डिफेंस को काफी सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये इससे पहले जो ब्राजीलियन कंपनी है CBC, उसके साथ कई प्रोडक्ट्स में पार्टनर रह चुकी है। स्पेशली बात करोगे आप स्प्रिंग की, तो SSS डिफेंस का ऐसा मानना है कि उनको अब महारत हासिल हो चुकी है इस तरह के राइफल के स्प्रिंग्स को बनाने में। और उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके अभी हाल ही में 3 साल पहले उन्होंने एक गन मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसकी शुरुआत की है। और ये सब कुछ किया है विवेक कृष्णन और उनकी टीम ने, जो कि इस कंपनी के CEO भी हैं। तो बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपो के दौरान शोकेस किए गए इन वेपन्स के बारे में। तो मुख्यतः SSS डिफेंस के द्वारा 5 प्रकार के जो वेपन हैं वो शोकेस किए गए थे, जिसमें से आपके 3 P-72 फैमिली के वेपन हैं और 2 आपके स्नाइपर राइफल्स हैं। तो हाल के मॉडर्न मिलिट्री के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये सारे वेपन प्रपोज किए गए हैं। बात करोगे P-72 कार्बाइन की, तो ये असॉल्ट राइफल की वो कैटेगरी है जो कि P-72 में 10 इंच बैरल के साथ आती है। और ये कार्बाइन आपको अवेलेबल है 7.6-39 और 5.5-45 में। तो ये कार्बाइन आपको दोनों वेरिएंट में मिल जाएगा, जिसमें जो बैरल की लेंथ है वो 10 इंच की है। बात करोगे P-72 DMR की, जो कि 18-20 इंच के बैरल में आता है। वहीं पे बात कर लोगे P-72 रैपिड इंगेजमेंट कॉम्बैट राइफल के बारे में, यानी कि RECR के बारे में। तो RECR यहाँ पे 16 इंच बैरल के साथ आता है और ये भी आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा, यानी कि 7.6-39 और साथ ही साथ 7.6-51 में भी मिल जाएगा, जो कि NATO द्वारा निर्धारित की गई चैम्बरिंग है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो बैरल है वो किस तरह से अटैच किया गया है इसके स्टॉक से। तो ये एक फ्री फ्लोटिंग बैरल है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो बैरल का कॉन्टैक्ट है राइफल के स्टॉक से वो ना के बराबर है। और यही चीज इसके एक्यूरेसी में कुछ पॉइंट्स ऐड करती है, क्योंकि जब आपके जो कन्वेंशनल राइफल्स हुआ करते थे उनमें जो बैरल का कॉन्टैक्ट होता था वो स्टॉक से होता था। और जिसका परिणाम क्या होता था कि अगर आपने अपने राइफल को बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर जो आपके राइफल का जो इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा है, तो इससे क्या होता था, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब आप राइफल फायर करते हो तो उसमें जो बुलेट ट्रैवल करती है वो घूमते हुए ट्रैवल करती है, रोटेट होते हुए, और जिसकी स्पीड Mach 2 के अराउंड होती है। और इसका परिणाम ये होता है कि जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो बैरल को भी एक रोटेशन देने की कोशिश करता है, और इस रोटेशन की वजह से एक वाइब्रेशन वेव जनरेट होती है, जिसको आप कह देते हो बैरल हार्मोनिक्स। हालांकि ये जो वेव होती है वो काफी कम होती है, लेकिन जब आपका बैरल फ्री फ्लोटिंग नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जहां पे बैरल अटैच है स्टॉक के साथ, तो वहां पे उस टॉलरेंस को वो डिस्टर्ब करता है, जिसके वजह से जो आपके बैरल की एक्यूरेसी होती है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे SSS डिफेंस के राइफल्स में उस चीज को एलिमिनेट कर दिया गया है, और जो बैरल है वो एक फ्री फ्लोटिंग बैरल है। अगर ये फ्री फ्लोटिंग बैरल है तो इस पे जो हैंड गार्ड होंगे वो कहाँ माउंट होंगे, मतलब वो सेक्शन जहाँ पे जो पिकाटिन रेल्स होते हैं वो ग्रूव किए गए होते हैं, तो वो किस तरह से अटैच होगा। तो यहाँ पे बैरल को फ्री फ्लोटिंग बनाने के लिए जो आपके हैंड गार्ड का केस है उसको डायरेक्टली अटैच किया गया है आपके स्टॉक या फिर रिसीवर से, मतलब स्टॉक या रिसीवर को छोड़ के कोई और कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है उसका बैरल के साथ। और जिन राइफल्स में बैरल का कॉन्टैक्ट होता है इन हैंड गार्ड केस से, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, बैरल के बीच में ही एक अटैचमेंट प्लेट ऐड करनी पड़ती है, जो कि बैरल हार्मोनिक्स को डिस्टर्ब करता है। और इसकी वजह से आपको बैरल हार्मोनिक्स को अलग से बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप बैरल पे एक प्लेट माउंट कर चुके हो जो कि ओवरऑल जो एक्यूरेसी होती है उसको डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे ये है इसका पूर्ण अर्थ। अब बात करते हैं राइफल के चैसिस के बारे में। तो अगर बात करेंगे इसके चैसिस की, तो इसके चैसिस में जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादातर किसी भी गन में अलॉय इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्ल्ड के टॉप गन मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो SIGSAUR हो या फिर फ्रांस का PGM हो, तो ये सभी के सभी ये कुछ अलॉय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका हो गया 7075 एल्यूमिनियम अलॉय, 416 स्टेनलेस स्टील, उसके साथ ही कई पार्ट्स में जो प्रिसिपिटेशन हार्डन्ड अल्युमिनियम होते हैं अलॉय, उनका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये किस तरह के मटेरियल है डाल लेंगे एक नज़र, और क्यों इतने सूटेबल हैं गन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो भी आपके 416 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील होते हैं उनको बनाने के लिए जो फेरस क्रोमियम है और फेरस सिलिकन है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है एक प्रोपोर्शनेट नंबर में, और इन सभी को गर्म किया जाता है जो भी आपके रॉ स्टील होते हैं उनके साथ, और गर्म करके मोल्ट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपको एक हाई ग्रेड का जो स्टेनलेस स्टील है वो मिलता है, जिसका जो कोड नेम है वो 416 है। तो इस तरह के स्टील को लेकर आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि इस पे जो मशीनिंग करनी होती है, वेल्डिंग करनी होती है, वो काफी आसान होती है, और वहीं पे दूसरी तरफ इन स्टील में जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी हायर होती है, साथ ही साथ जो इसमें क्रोजन रेजिस्टेंस होता है वो भी मौजूद होता है। तो इस तरह के स्टील आपको एक अच्छा बैलेंस दे जाता है डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में। तो एक बार आपने फेरस क्रोमियम और फेरस सिलिकन को रॉ स्टील के साथ गर्म कर लिया है, मोल्ट कर लिया है, उस मोल्टन मेटल को आप हॉरिजॉन्टल कास्टिंग करके एक बिलेट में कन्वर्ट कर लेते हो जो कि रेक्टेंगुलर बिलेट होता है, और फिर इस रेक्टेंगुलर बिलेट पे हीट ट्रीटमेंट करके रोलिंग कर देते हो जो कि एक सर्कुलर शेप में आ जाता है और उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और फिर वहां से आप कट करके बैरल के लिए मटेरियल निकाल लेते हो।
अगर आपको वहां से बैरल नहीं बनाना है तो जहां पे आपने कास्टिंग की है बिलेट बनाया है तो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग पार्ट्स बनाने में। बात करके इन गन के चेसिस के बारे में या फिर गन के अदर पार्ट्स के बारे में, तो कोई भी गन जिसमें फ्लोटिंग बैरल है और वो मॉडर्न एरा का गन है तो उसके कुछ इस प्रकार के पार्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है चेसिस, दूसरा है बटस्टॉक, तीसरा आपका रिसीवर और जो चौथा है वो है एक्शन ड्राइव का निर्माण। तो ये कुछ मुख्य एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे मैं स्नाइपर राइफल्स की बात कर रहा हूँ। बात करोगे इसके चेसिस की तो इसके चेसिस को बनाया जा रहा है जो भी आपके 7075 ग्रेड के एल्युमिनियम अलॉय हैं उनसे। इन अलॉय में एल्युमिनियम के साथ जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो जिंक होता है और ये इसको हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है और साथ ही साथ इसके बॉडी को एक हायर स्ट्रेस लेने के काबिल बना देता है। मतलब इस मेटल से बने जो भी कंपोनेंट है उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो हायर स्ट्रेस लेने में सक्षम होंगे। और इसमें भी ये 7075 जो T6 ग्रेड है उसका इस्तेमाल करता है और ये जो आपका T6 ग्रेड होता है इसकी क्षमता होती है तकरीबन 540 मेगापास्कल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको बियर करने की और ये तकरीबन 470 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जाने में सक्षम है जबकि 120 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो 24 घंटे अपने ऊपर रखने में सक्षम है। तो इतनी स्ट्रेंथ इस तरह के मटेरियल में आती कहाँ से है? तो इस मटेरियल की कास्टिंग के दौरान जो ग्रेन्स बनते हैं और वहाँ पे जो प्रिसिपिटेट बनता है इसके स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में और ये जो प्रिसिपिटेशन होता है वो काफ़ी फाइन होता है। तो इस एल्युमिनियम अलॉय से जो कि 7075 है और उसका भी जो T6 वेरिएंट है उससे आपके जो भी बटस्टॉक के पार्ट हैं या फिर चेसिस हैं वो बनाए जाते हैं। जहाँ तक बात है रिसीवर की तो रिसीवर के जो मोस्ट पार्ट होते हैं या तो वो हाई यील्ड स्टेनलेस स्टील से बनता है नहीं तो एल्युमिनियम का एक और ग्रेड होता है वो होता है 6061 और ये वही एल्युमिनियम है जिससे आपके जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो उस एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो आपका रिसीवर है गन का रिसीवर वो बनता है। यहाँ पे मैं पिक्चर डाल दूंगा। तो रिसीवर के कुछ पार्ट इस एल्युमिनियम से बनते हैं यानी कि 6061 से और कुछ पार्ट आपके जो स्टेनलेस हाई यील्ड स्टील है उनसे बनते हैं। तो भाई यहाँ पे रिसीवर को बनाने के लिए इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किसी बुलेट को एक छोटे से लेंथ में 2 माह की स्पीड तक पहुंचाना काफी डिफिकल्ट टास्क है और ये करते हुए जो आपका प्रेशर जनरेट होता है उस पूरे एरिया में मतलब रिसीवर से लेके थ्रू आउट द बैरल वो प्रेशर वेरी करता है 4000 बार से लेके तकरीबन 2500 बार के बीच में। तो इतने हाई प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आपको जो मटेरियल की क्वालिटी है वो ऊपर रखनी पड़ती है और कई दफा ऐसा नहीं होता है तो आप देखते होंगे जो बैरल है वो बस्ट कर जाते हैं फट जाते हैं। तो ये तरह बात इसमें इन्वॉल्व मटेरियल को लेके। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका SSS डिफेंस फर्म है वो किस तरह से बैरल को अप्रोच करते हैं। तो इसको लेके भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में किस तरह का जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो बैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बैरल के अंदर होल होता है और उसमें जो ग्रूविंग की होती है हेलिकल ग्रूविंग जो कि हेल्प करता है बुलेट को रोटेट होते हुए आगे ट्रैवल करने में। तो उस हेलिकल ग्रूविंग को जिसको राइफलिंग प्रोसेस भी कह देते हैं प्राइमरली 2 मेथड से किया जाता है और यही आपके जो मेथड है वो डिफाइन करते हैं कि आपके जो राइफल की जो एक्यूरेसी होगी वो किस प्रकार की होगी। तो आपका पहला जो मेथड है वो है बटन राइफलिंग और जो दूसरा है वो है हैमर फोर्जिंग। तो ये 2 तरह के मेथड का इस्तेमाल करके आप गन्स को बनाते हो जिसमें से जो आपके बटन राइफलिंग होती है उसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है और जो भी आपका हैमर फोर्जिंग मेथड है वो एक्यूरेसी को लेकर उतना रिलायबल नहीं माना जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोसेस को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। तो बात कर लेंगे बटन राइफलिंग की जो कि SSS डिफेंस के जो भी स्नाइपर राइफल्स हैं उनमें इंप्लीमेंट किया गया है जबकि जो असॉल्ट राइफल कैटेगरी है P-72 उसमें जो मेथड इस्तेमाल किया गया है वो हैमर फोर्जिंग मेथड है। अब इसको समझने के लिए अगर आप पीछे जाओगे जहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से एक रॉ स्टील को मिक्स करके मोल्ड किया जाता है जो फेरस क्रोमियम है उसके साथ और उसके बाद आप उसको हॉरिजॉन्टल कास्टिंग कर लेते हो और कास्टिंग करने के बाद आपको मिलता है बिलेट जो कि रेक्टेंगुलर बिलेट होता है और रेक्टेंगुलर बिलेट को रोलिंग करके हीट ट्रीटमेंट करके आप सिलिंड्रिकल बार बनाते हो और इन बार्स को कट कर लिया जाता है और कट करने के बाद इनमें डीप ड्रिलिंग की जाती है मतलब बार्स के मध्य में एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एक होल क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे होल क्रिएट होने के बाद जो भी कंपनी ये बार खरीदना चाहती है उनको ये ब्लैंक के रूप में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ जो SSS डिफेंस है वो खुद डीप ड्रिल करती है या फिर डीप ड्रिल किया हुआ जो बैरल है वो इंपोर्ट करती है। तो अब मान लो जो भी आपका बैरल है उसमें डीप ड्रिल हो चुका है तो इस डीप ड्रिल होने के बाद बैरल पे होनिंग प्रोसेस किया जाता है मतलब जो बैरल की चिकनाहट है अंदर किए गए होल और बाहर के सर्फिस पे उसको बढ़ाई जाती है और जो टॉलरेंस अचीव करने की कोशिश की जाती है वो तकरीबन 2 माइक्रोन के अराउंड होता है पर मिलीमीटर पे। और होनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्पिंडल जिसके एंड पे कुछ स्टोन्स माउंट किए गए होते हैं और इस स्पिंडल को जो भी आपका बैरल है उसके होल के इंटरनल सर्फेस पे आप रब करते हो जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है या फिर यूं कह लो जो टॉलरेंस है जैसा कि हम बात कर रहे थे 2 माइक्रोन का वो मिल सके। और इस प्रोसेस के बाद जो राइफलिंग प्रोसेस है वो की जाती है। तो राइफलिंग प्रोसेस के 2 मेथड है और यहाँ पे SSS डिफेंस ने जो फोर्जिंग मेथड है उसका इस्तेमाल किया है अपने AR राइफल्स के लिए और जो बटन राइफलिंग प्रोसेस है उसका इस्तेमाल किया है स्नाइपर्स के लिए। तो बटन राइफलिंग में क्या होता है कि आपके राइफल बैरल के इंटरनल बोर पे जिस तरह का भी पैटर्न चाहिए ज़्यादातर जो पैटर्न होता है वो राइट पॉलीगन पैटर्न होता है जो कि 1 डायमीटर में 6 के नंबर में होता है और ये हेल्प करता है आपके बुलेट को एक मेजर वेलोसिटी अचीव करने में। तो ये पैटर्न ही होते हैं जो उसको आगे प्रोपेल कर रहे होते हैं रोटेट करते हुए।
तो इस पैटर्न को अचीव करने के लिए आपका जो मैंडल है वो एक तरह का रॉड होता है जिसपे इस प्रकार का हिल और वैली कटा होता है। तो इस मैंडल को जिसके एक ही एंड पे इस तरह का हिल और वैली जो पैटर्न है वो बनाया हुआ है, तो उसको आपके बैरल के मध्य में डाल के दूसरे एंड से पुल कर लेते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि वो आपके बैरल के जो इंटरनल बोर है उस पे अपनी जो छाप है वो छोड़ता हुआ चला जाता है, मतलब इस तरह का जो ग्रूव है वो बनाता हुआ चला जाता है। तो ये आपकी हो जाती है बटन राइफलिंग। और इस मेथड से क्रिएट किए गए ग्रूव्स की वजह से जो कि बैरल के बोर पे किया गया है वो हेल्प करता है आपके प्रोजेक्टाइल को एक स्टेबिलिटी के साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट होने में और आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि उस स्पिनिंग मोशन में जो गायरोस्कोपिक स्टेबिलाइजेशन है उसको बढ़ाता है ये मेथड, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्टाइल की जो एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, परिणाम मिलता है आपको हायर एक्यूरेसी के रूप में। और इसको मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा कि जो आपके बटन राइफलिंग होती है ये आपने अचीव की हुई है कढ़ाई करके, तो आप इस प्रकार के बैरल से ज्यादा फायर करोगे, मतलब आपका रेट ऑफ फायर होगा यानी कि कम सेकंड टाइम में जो फायर रेट है वो ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपने पैटर्न क्रिएट किया है बोर के सर्फेस पे तो वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका रेट ऑफ फायर बढ़ता है तो मतलब ये हो गया कि जो आपके बैरल का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा होगा, और इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो आपके ग्रूव क्रिएट किए गए हैं इनके टॉलरेंस में एक जो होती है डिस्टरबेंस वो आ जाती है, क्योंकि जो ग्रूव्स बनाए गए हैं वो एनग्रेव्ड किए गए हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो आपको एक्यूरेसी दे देगा, लेकिन जैसे ही आप रेट ऑफ फायर बढ़ाओगे तो एक लॉन्ग रन में वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाता है। तो इसीलिए जो भी स्नाइपर राइफल्स होते हैं उनके लिए जो बटन राइफलिंग होती है उसे ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ फायर होता है वो उस प्रकार का आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है जिस प्रकार के आपके जो असॉल्ट राइफल होते हैं उनमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करोगे हैमर फोर्स्ड बैरल की, तो इसमें क्या करते हैं कि जिस भी साइज का आपका बैरल है उसी शेप का एक हैमर होता है जो कि चारों दिशाओं से आपके बैरल को हिट कर रहा होता है, और जब ये हिट कर रहा होता है तो बैरल जिसमें ऑलरेडी होल है तो उस होल में आप डाल देते हो मैंडल को, और यहाँ पे जो मैंडल होता है उसके पूरे सरफेस पे वही पैटर्न इनग्रेव्ड होता है जो कि आपको बैरल के बोर पे चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि बैरल के होल में ये मैंडल डाल दिया और बैरल को चारों तरफ से हैमर कर दिया, और इससे क्या होगा जो एनग्रेविंग होगी वो काफ़ी डीप होगी, लेकिन जो ओवरऑल टॉलरेंस होगा वो उस प्रकार का आपको अचीव नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोन्स में, अगर एक या दो माइक्रोन्स भी इधर उधर हुआ वो आपकी एक्यूरेसी में आपको नुकसान देगा। इस तरह का प्रोसेस उन बैरल में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें जो रेट ऑफ फायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये SSS डिफेंस के जो भी P-72 सीरीज के राइफल्स हैं उनमें इस प्रकार का जो बैरल है वो इस्तेमाल किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो भी असॉल्ट राइफल्स हैं या फिर स्नाइपर्स हैं इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में। बात करके वाइपर की, तो ये एक 7.62 51 चैम्बर के साथ आता है जो कि इस्तेमाल करता है बोल्ट एक्शन ड्राइव का, और बोल्ट एक्शन ड्राइव और गैस ऑपरेटेड जो मैकेनिज्म होता है वो किस प्रकार का होता है उसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, यहीं पर लिंक डाल दूंगा मैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो वाइपर है उसकी जो रेंज है वो 1200 मीटर के अराउंड है, और हाफ इंच का जो MOA है मतलब मिनट ऑफ एंगल इसने अचीव किया है जो कि एक स्नाइपर राइफल के लिए काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर ये यही नंबर आने वाले कंपटीशन में रखता है जो कि इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किए जाने वाले राइफल्स के लिए जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर यही MOA वहाँ पे रहता है ड्यूरेबिलिटी के साथ तो इस राइफल के जो अच्छे चांस हैं वो बन सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेबर की, तो यहाँ पे MOA क्या चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि एक एंगुलर डिस्टेंस है आपके स्कोप और बैरल के हॉरिजॉन से। तो अगर ये चीज़ 0 MOA है मतलब आप अपने टारगेट को जहाँ हिट करना है वहाँ पे हिट कर रहे हो, और यहाँ पे ये SSS डिफेंस के साथ हाफ MOA है, कहने का मतलब ये है कि जो एंगल बन रहा है स्कोप और बैरल द्वारा फायर किए गए प्रोजेक्टाइल के बीच में वो हाफ MOA की डिस्टेंस अचीव कर रहा है। सेबर की बात करोगे जो कि 338 सेबर के नाम से भी जाना जा रहा है, और इसको चैम्बर किया गया है 0.338 लैपुआ मैग्नम कैलिबर के साथ जो कि 2-स्टेज एडजस्टेबल जो ट्रिगर है उसका इस्तेमाल करता है, और इसका जो मैगजीन है वो भी डिटैचेबल है जो कि 5 और 10 दोनों राउंड में आपको मिलेगा। सेबर का वेट तकरीबन 8 किलोग्राम के अराउंड है। जहाँ पे बात करते हो स्टॉक की, तो इसका जो स्टॉक है वो आपको फिक्स्ड और फोल्डेबल दोनों वेरिएंट में मिल जाएगा, और वहीं पे आपके चीक को प्लेस करने के लिए जो सेक्शन है वो भी एडजस्टेबल है, और वहीं पे यहाँ पे आपको रियर एंड पे यानी कि स्टॉक के पास अगर कोई मोनोपॉड चाहिए तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। और अभी फिलहाल ये सेबर Mark 1 और Mark 2 दोनों वेरियंट में आपको मिलेगा, और इसके अभी और जो वेरियंट्स है वो बनाने की प्लानिंग है जैसे कि Mark 3 और Mark 4। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहे हैं, और इन सभी में जो 338 सेबर है वो जल्दी कम्पीट करने वाला है इंडियन आर्मी के लिए। जहाँ तक बात है इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स की, तो इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स को लेके अलग अलग कंडीशन में जो परफॉर्मेंस रही है वो रिक्वायर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। जहाँ पे दिल्ली डिफेंस रिव्यू को दिए गए एक इंटरव्यू में विवेक सर ने ऐसा बताया है कि इसके जो टेस्टिंग और ट्रायल्स हैं उसको काफ़ी एडवर्स कंडीशन में टेस्ट किया गया है, क्योंकि अगर आप फायर करते हो रेन में तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है उसके जो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं वो ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे उस कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए एक हाई विंडी एरिया में फायर किया गया था जो कि आपके गन की एक्यूरेसी को उतना ही डिस्टर्ब करता है जितना कि वो रेन में होता है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग टेस्टिंग करने के लिए एक फैसिलिटी वो अपने बैंगलोर बेस्ड फॉर्म में बना रहे हैं जो कि जल्दी बन के तैयार होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।